विद्यालय का जर्जर छत गिरने से छात्र की मौत को लेकर 12,10,000 रुपए भुगतान करने का आयोग का आदेश। संत आलूसियत स्कूल को 3 माह में भुगतान करने का आदेश। भुगतान में लेट होने पर 8% सालाना ब्याज की दर से भुगतान पाने का शिकायतकर्ता होगा हकदार। News 9 Times बेतिया से आशुतोष कुमार बंडवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। बेतिया जिला उपभोक्ता आयोग ने विद्यालय की छत गिरने से हुए छात्र की मौत मामले की शिकायत वार्ड संख्या 60/2018 में अपना आदेश पारित किया है, जिसमें विपक्षी संत आलूसियत स्कूल के प्रबंधक को दायित्व का सम्यक निर्वहन का दोषी पाते हुए सेवा प्रदाता की हैसियत से जिम्मेदार और दायित्वहीन मानते हुए 12 लाख रुपये मृत छात्र के शिकायतकर्ता पिता संदीप कुमार बंडवाल को देने का आदेश दिया है, जिसमें शिकायतकर्ता एवं उसके परिवार को हुई मानसिक पीड़ा एवं वाद व्यय के रूप में संयुक्त रूप से 10,000 रुपये अतिरिक्त देने का आदेश दिया है। यानी आयोग ने कुल 12,10,000 रुपये का हर्जाना 3 माह के अंदर मृत छात्र के परिजनों को देने का आदेश संत आलूसियत स्कूल को दिया है। वहीं आदेशित समय सीमा में धनराशि नहीं दिए जाने पर 8% सालाना ब्याज के दर से शिकायतकर्ता को हर्जाना पाने का हकदार भी होगा। फिर भी यदि विद्यालय कालावधि में धनराशि देने में विफल रहा तो विहित प्रक्रिया के तहत शिकायतकर्ता आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करा सकेगा। उक्त जानकारी शिकायतकर्ता संदीप कुमार बंडवाल के अधिवक्ता सुभाष चंद्र मोहन ने देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता के 5 वर्ष का पुत्र वैभव राज संत आलूसियत स्कूल के प्रथम वर्ग का छात्र था। स्कूल की छत अति जर्जर और खतरनाक हो चुकी थी, जिसके नीचे छात्र वैभव राज पढ़ता था। विपक्षी स्कूल प्रबंधन के द्वारा छत का रखरखाव ठीक से नहीं कराने के कारण 25 सितंबर 2018 को सुबह लगभग 10:15 में स्कूल का छत गिर गया, जिसमें दर्जनों छात्र घायल हुए थे। उनमें शिकायतकर्ता का पुत्र वैभव राज भी घायल हुआ था, जिसकी चोट की वजह से मौत हो गई थी। घटना के पश्चात स्कूल और बाहर काफ़ी बवाल भी हुआ था, जिससे छात्र की मौत की खबर स्कूल प्रबंधक ने पहले छिपाने का प्रयास किया, फिर जब खोजबीन परिजनों ने की तो उसकी मौत होने की बात सामने आई। जर्जर छत की शिकायत पूर्व में शिकायतकर्ता ने स्कूल प्रबंधन से किया भी था, पर स्कूल ने अन्यत्र पढ़ाने की बात कहकर बात पर पर्दा डाल दिया, पर बच्चों को उसी छत के नीचे ही पढ़ाया जाता रहा, जिसके कारण छत गिरा और बच्चे की मौत हो गई। हालांकि विपक्षी स्कूल प्रबंधन ने अपना पक्ष रखते हुए स्वयं को संस्था का पुजारी बताया और आवेदन विधिता योग्य नहीं होने की प्रार्थना किया था। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से मृत छात्र के परिजन को 4 लाख मिलने की बात बताई और बेतिया नगर थाना में कांड संख्या 834/18 दर्ज होने की भी बात बताई और शिकायत वाद खारिज होने योग्य भी बताया। आयोग के अध्यक्ष ने शिकायत वाद की सभी पहलुओं पर विचारण और साक्ष्यों का अवलोकन किया, जिसमें यह पाया कि शिकायतकर्ता संत आलूसियत स्कूल के सभी शुल्क को ससमय जमा कराता रहा है, जिससे स्कूल प्रबंधन की छात्र की शिक्षा और शारीरिक सुरक्षा की भी जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की हैसियत से बनती है। शिकायतों के बाद भी छात्रों को टूटे छत के नीचे रखना कार्य का घोर उपेक्षा है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्र वैभव राज की मौत हुई। जिला उपभोक्ता आयोग ने पक्ष और विपक्ष की सुनवाई के बाद विचारण करते हुए अपना आदेश शिकायतकर्ता के पक्ष में देते हुए पारित किया है। इस शिकायत वाद संख्या 60/2018 में शिकायतकर्ता ने स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य जोटेल जोन्स, प्राचार्य सुशील साह और उप प्राचार्य रॉबर्ट टिग्गा को आरोपी बनाकर वाद दायर किया था, जिसमें जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गिरीश मिश्र और सदस्य योगेश कुमार मिश्र ने सुनवाई की और अध्यक्ष गिरीश मिश्र ने अपना निर्णय सुनाया है। News 9 Times संबंध में
यह कहना है कि शिकायतकर्ता जो इस वाद में थे संदीप कुमार, उनके पुत्र वैभव राज विपक्षीगण के स्कूल में प्रथम वर्ग का छात्र था और इनका स्कूल का जो छात्र था अति जर्जर और खतरनाक हो चुकी थी, जिसके नीचे ये छात्रों को बैठा कर पढ़ाते थे। दिनांक 25/9/2018 को स्कूल की छत लगभग 10:15 बजे गिर गई, जिसमें शिकायतकर्ता का पुत्र वैभव राज को चोट लगी और उसकी मृत्यु हो गई। इस तथ्य को विद्यालय प्रबंधन ने छिपा लिया था। उसकी जानकारी उन्होंने परिजनों को नहीं दिया था। जब हल्ला हुआ, शोरगुल हुआ, उसके बाद जब ये लोग घर से शिकायतकर्ता के घर से लोग आए तो इन लोगों ने भीड़ जो जमा थी उसमें देखा तो इनको पता चला कि इनके पुत्र का इसमें छत के नीचे दबने से मृत्यु हुई है। और इस संबंध में बेतिया नगर थाने में FIR भी हुआ था। उसके बाद यह शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम में, जो अब जिला उपभोक्ता आयोग के नाम से जाना जा रहा है, इसके लिए शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष 15,15,000 रुपये का दावा किया था पट्टिकर के रूप में और मुकदमा खर्च के रूप में। दोनों पक्षों के कथनों पर विचार करने के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने यह पाया कि प्रतिकर के रूप में शिकायतकर्ता के पुत्र के प्रतिकर के रूप में 12,00,000 रुपया भुगतान करने का विपक्षियों का आदेश दिया और मानसिक यातना और मुकदमा खर्च के रूप में 10,000 रुपये, कुल 12,10,000 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है 3 माह के अंदर। यदि ये 3 माह के अंदर उक्त आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो इनको 8% ब्याज के दर से राशि का भुगतान करना होगा। मैं सुभाष चंद्र मोहन, अधिवक्ता, शिकायतकर्ता की ओर से जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष यह शिकायत पत्र दाखिल किया था, जिसे विचारोपरांत यह प्रतिकर भुगतान करने का आदेश दिया गया है।